सौर ऊर्जा में हिमाचल जल्द नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। अब प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र को ग्रिड सिस्टम के जरिए संचित किया जा सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, पंचायतों, घरों में सौर ऊर्जा के जरिए उजाला हो सकेगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आदर्श हिमाचल को दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही हिमाचल की सभी सरकारी इमारतों, स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंगें भी सौर ऊर्जा से जगमगाएंगी। ऊपर सौर ऊर्जा के ऊपर जो है प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं कि सेंटर से 70% ग्रांट मिलती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें मैक्सिमम 4000 तक हम जो है उसमें पर किलोवाट हम दे रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो प्रयास रहा पर लोग अभी इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। कारण यह है कि हमने उसमें 30% लोड्स का जो है 30% के ऊपर ही हम जो है उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। अब हम इसमें तय करें कि कोई नई स्कीम के माध्यम से कोई योजना ऐसी बनाई है जिसमें कि लोगों को फायदा हो, क्योंकि प्रदेश के अंदर सस्ती बिजली है और इसलिए कुछ लोग इस पे ज़्यादा आगे आ नहीं रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम सोलर के माध्यम से गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट भी हम दे सकते हैं, और स्ट्रीट लाइट क्योंकि सोलर लाइट मांगी जाती है तो कुछ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम 15-20 लाइटें मैक्सिमम दे सकते हैं। उससे अधिकतर जो हमारा मेन काम है कि बैटरी कभी खराब हो जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसका फायदा नहीं हो पा रहा है, तो हम एक स्कीम के माध्यम से ग्रिड के हम ग्रिड के साथ जोड़ेंगे इसको, और जो बिजली पैदा दोहन करेंगे वो ग्रिड में जाए, ग्रिड से शाम को रात को जो है बिजली वहां पर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से आए, उस योजना को हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। और उससे हम मतलब बिना खर्चे के, क्योंकि जब 80% सब्सिडी है, कुछ हम दूसरे कंपोनेंट के माध्यम से करेंगे, उससे मुझे लगता है कि एक नया परिवर्तन जो है प्रदेश के अंदर हो सकता है। और हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के जितने हमारे ये सिस्टम बना हुए हमारे ऑफिस हैं वहाँ पर वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 60% जो है केंद्र सरकार ने सब्सिडी देने की बात की है, 40% जो है वो वहाँ का डिपार्टमेंट करेगा, तो उसमें भी हम लोगों को डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि अपने जो है ऑफिस में, कॉलेज में या दूसरी। अनिल शर्मा ने कहा कि हिमाचल में बिजली सस्ती होने के कारण भी यहाँ लोग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कम रुचि दिखा रहे हैं। योजना केंद्र पर आयोजित है और इसमें 2000 किलोवाट तक का सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार 70% का अनुदान दे रही है, जबकि राज्य सरकार 10% का अनुदान देती है। आदर्श हिमाचल, ब्यूरो रिपोर्ट।